हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी मेरे काम शुरू है, सुबह से ही शुरू, अभी नहीं, अभी तक तो मैंने बहुत काम कर भी लिए हैं, जैसे झाड़ू पोछा करना। लक्की स्कूल चला गया है, झाड़ू पोछा से पहले भी बहुत काम हो जाते हैं। अभी तो मेरा नहाना धुआना भी हो गया है, वही मैं बाल धो के आई हूँ। तो ठंड का मौसम है तो बाल धोना भी एक सबसे मुश्किल काम लगता है, कि ठंडा ज़्यादा लगता है। आप सोच रहे होंगे मैंने स्वेटर नहीं पहना है, क्या कि बाहर में मेरा बरामदा में धूप है, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना है। अभी थोड़ा सा अंदर का समेट देती हूँ, क्या मैं मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ। मम्मी बाहर बैठी हुई है तो आएगी, तब कहानी सुनाएगी। उससे पहले जो भी काम हो जाए तो कर देती हूँ, तो नहीं तो कहानी सुनने के बाद मुझे करना है, घर का पूजा भी करना है। पर यही है कि पहले बिस्तर समेट देना जरूरी है, अच्छा नहीं लगता। पीयूष के पापा उठ गए हैं, पीयूष भी उठ गया है। उधर का मैंने पहले ही समेट दिया था, इधर का बाद में कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अपना कर लेती हूँ, फिर कहानी सुनूंगी। और उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं। अभी पीयूष के पापा पूजा कर रहे हैं तो वही कुछ पूछ रहे हैं। अब पीयूष भी नहाने गया है, उसके बाद लास्ट में सबसे मम्मी नहाती है। पर नहाने से पहले मम्मी मुझे कहानी सुना देगी, उसी के लिए मम्मी आ गई है, तो मैं कहानी सुन लेती हूँ। यहाँ मेरा कहानी सुनना हो गया है, और सुबह का चाय होता है एक बार कहानी सुनने के बाद। मेरे यहाँ नियम नहीं है कि दोपहर में सुना जाए, जब फुर्सत हो तब सुन लीजिए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब जिसको टाइम हो तब। अब मेरा हो जाता है 8-9 बजे के बीच में कहानी सुन लेती हूँ मैं। धूप अच्छा आया हुआ है बरामदा में, तो वहीं मैं कपड़े लगा दूँगी, उसके बाद अपना दूसरा काम करूँगी। ये काम अपना होता रहेगा, पर यही है कि काम का सुबह सुबह कोई कमी नहीं है, करते रहो, मशीन की तरह लगे रहो। अभी चाय बन गया है तो चाय सबको दूंगी, अपने भी पीऊँगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मेरा पूजा हो गया है, चाय भी मैंने पी लिया है। मम्मी ने कहानी सुनाने के बाद मम्मी नहाने के लिए गई है, मैंने मशीन लगाई है जो मैंने शायद आपको दिखा भी दी है। मेरा कपड़े भी धुल जाएंगे, क्या कि खाना बनाऊँगी मैं अभी यहाँ, जैसे कपड़े मशीन चालू रहेगा तो मैं यहाँ बैठ के सब्जी काट लूँगी, और सब्जी बना दूँगी, उसके बाद मैं कपड़े सुखा दूँगी, रोटी भी बनाऊंगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है। देखती हूँ सब्जी लाने गए हैं पीयूष के पापा। आजकल मेरा यही होता है कि मेरे यहाँ बगल में सब्जी जो मिलता है, ज़्यादातर मैं यहीं से सुबह सुबह मंगवाती हूँ और बना देती हूँ, अच्छा भी लगता है, ताज़ा सब्जी आती है तो उसी से हो जाता है मेरा। बाज़ार से तो जैसे ज़्यादा लाना होता है आलू प्याज, यही तभी मंगवाती हूँ, नहीं तो यहीं से मंगा के बना लेती हूँ। अब पीयूष पढ़ाई कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ पीयूष को भी। मेरा आज उपास, आपको पता है साड़ी मैंने पहना है जो सुबह से दिखा भी दिया है। ये साड़ी मेरा मोटा है थोड़ा, इसलिए मैंने ठंड में पहना है। अभी तो मैं काम कर रही थी इसीलिए ऐसी है। अभी इसका पढ़ाई चला हुआ है, आज लास्ट एग्ज़ाम है, लास्ट है ना पीयूष? अब वो एग्ज़ाम देने गया हुआ है, इसका लास्ट है आज, फिर छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा सर्दी का विंटर, फिर छुट्टी हो जाएगा। टाइम क्या हो रहा है अभी मैं आपको दिखाऊँ, 10 बजने वाला होगा, 10 बजा नहीं होगा, 10 बजने वाला है। मेरा चुनरी टंगा हुआ है। चाय पीने के बाद मैंने सब्जी काटना शुरू कर दिया है। मैं मटर पत्ता गोभी का सब्जी बनाऊंगी और उसके बाद रोटी बनाऊंगी। लक्की स्कूल जाता तो रोटी नहीं लेके जाता है, वैसे उसका लंच होता भी नहीं है, क्या कि एग्ज़ाम के समय नहीं होता है, तो वो अपना दूध बिस्कुट जो भी खा के जाता है उसी से। सुबह सुबह वो खा के भी कुछ नहीं जाता है, बोलते रहो उसको, कोई बिस्किट भी बहुत मुश्किल से खाता है, केवल अपना दूध जो भी पी लेता है वैसे उसी से हो जाता है उसका। यहाँ सब्जी काटने के बाद जाऊँगी सीधे किचन में। अभी यहाँ मम्मी पालक काट रही है। मेरे यहाँ जैसे पालक उलक मम्मी काटती है, मम्मी बनाती है, मैं बहुत कम करती हूँ। यहाँ कपड़े आधे धुल गए मेरे, आधे मैंने सुखा दिए हैं, आधे अभी बाकी हैं। पहले यहाँ मम्मी पालक काट रही है और उसके बाद कपड़े धो भी दिए हैं। ये देखिए, ऊपर सुखाने के लिए मैं आई हूँ, नीचे कपड़े सब सूखे हुए हैं। यहाँ मेरी भाभी आई है, क्या कि चौथ के व्रत में आती है भाभी। अभी 4:30 बज रहे हैं, मैंने चाय चढ़ा दिया, चाय बन रहा है, मैं ऊपर जाऊँगी। सुखाए हैं मैंने जूते, वो ले के आऊँगी मैं। अच्छा, उतना देर में मेरा बन जाएगा, अभी मैंने चढ़ाया है, लगेगा 10 मिनट कम से कम, कम कर दिया है, तो मैं फिर आके चाय पी सबको देऊंगी, अब पीऊँगी। क्या हम लोग में तो चाय पीते हैं भाई,
इसलिए चाय पी लेते हैं। एक बार सुबह पिया था, एक बार अभी पीऊँगी मैं, और उसके बाद शाम के बाद नहीं पियेंगे। शाम होने के बाद चाय भी पानी भी कुछ नहीं पियेंगे, बस अभी पी लूँगी। चलते हैं, टीवी भी चला हुआ है, आवाज़ सुन रहे होंगे आप। अभी मैं आ गई हूँ, अपने काम में लग गई हूँ। चाय पानी सब कब का हो गया, अभी तो बहुत देर हो गया चाय पानी हुए। अब बहुत काम मैंने कर भी लिया है, जैसे दाल बनाना, सब्जी बनाना, ये सब काम हो गया है। आज मुझे चूरमा नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा मन किया कि आज थोड़ा दूसरा ट्राई करती हूँ। चाशनी वाले चावल बना रही हूँ मैं, तो उसी के लिए चावल मैंने बना के रख लिए हैं। जैसे सफ़ेद चावल बनाते उसी में मैंने कलर डाला है केवल, और कुछ नहीं। चाशनी के चावल ना, चाशनी बना के फिर बनाए जाते हैं, पर मैं ऐसे ही चावल में मैंने चीनी डाल लिया है, उसी में मैं छोंक लगा दूँगी। यहाँ मैंने घी गरम किया है, उसी में जैसे तेज़पत्ता और लौंग, इलायची और ये सौंफ डाला है। उसी में काजू भी मुझे डालना था, रखा हुआ भी है, पर मैं भूल गई डालना, उसी में डालना था पर मैं भूल गई। ये मेरा थोड़ा सा ये हो जाएगा छोंक, तो इसी में मैं चावल और चीनी एक साथ डाल दूँगी। वैसे ऐसे भी बन जाता है, चाशनी बनाने के बाद थोड़ा मुझे लगता है गीला ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ऐसे ज़्यादा बनाती हूँ, थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। ये दो बार नहीं करना पड़ता, एक बार चाशनी, एक बार चावल बनाना, एक बार में दोनों हो जाता है मेरा। या मेरा छोंक तैयार हो गया, तो इसमें मैं डाल दूँगी, दोनों चीज़ को एक साथ डाल दूँगी। अब वैसे तो सबको पता है कि चीनी को पानी में डालने से थोड़ा सा भी ये होता तो पानी छोड़ देती है, वही इसी में भी होगा। चावल वैसे पका हुआ है 90%, 10% बाकी रहता है, तो इसमें पक जाएगा। क्या जैसे मिक्स करूँगी वैसे पानी छोड़ देगी, अभी आपको भी दिखाई दे देगा, पता चल जाएगा कि जैसे इसमें डालते ही चीनी पानी छोड़ देती। बस गलती यही हुआ कि मुझे इसमें काजू भी डालना था छोंक में, तो वही मैंने नहीं डाला है। डालती तो किशमिश भी हूँ, पर वही है कि किशमिश ऐसे तो पीस लेके खा लेते हैं ऊपर से डला हुआ, तो पर ऐसे इसमें छोंक में डालती हूँ तो नहीं खाता, बीच से निकाल निकाल के रख देते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ देखिए पानी हो गया, मैं यही आपको दिखा रही हूँ। इसको बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में हो जाएगा। एक बार मैं इसको ढक के रखूँगी, ढक्कन लगा के, उतना देर में पानी इसका ख़त्म हो जाएगा। ऐसी तरह देर में मैं काजू को हाथ से ही तोड़ दूँगी, क्योंकि इसको काटना ज़रूरी नहीं है, हाथ से भी हो जाता है, चाकू का ज़रूरत नहीं रहता है। अब फिर काजू ऊपर से डाल दूँगी, छोंक में नहीं डाल सकी तो ऊपर से डाल के रख दूँगी, बस बन के फिर मेरा तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए देखने में लग रहा है सूखा सूखा, हो भी गया है, पानी ख़त्म हो गया इसका मेरा। अब इसको बंद कर दूँगी। अब वैसे और का मेरा हो गया है दाल बनाना, सब्जी बनाना, चावल बनाना बाकी था। आज चूरमा नहीं बनाया, चावल बना लिया। देखते हैं बच्चे भी उसके पापा खाएंगे कि नहीं, मम्मी तो खा लेगी, अब मेरा है तो मैं भी खा लेती हूँ। बनके तैयार है चाशनी के चावल। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, काम मेरा लगभग सब हो गया है। अभी उस लड़के ट्यूशन गया, वही मेरा रूटीन रहता है, इसी समय ज़्यादातर मेरा वीडियो का काम शुरू होता है। आटा मैंने लगा के रख दिया है, यहाँ सब्जी है, दाल है, चावल है। चावल मैंने बनाया है आज, हम लोग के गांव में राजस्थान में बनते हैं, बोलते हैं इसको चाशनी के चावल। वैसे मम्मी बनाती इसको चाशनी बनाने के बाद, मैं तो ऐसे चावल बना दिए, चावल में कलर डाल दिया, उसी में मैं चावल बनने के बाद चीनी डाल के रख देती हूँ, फिर छोंक लगाती हूँ, तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। मम्मी बनाती, वैसे भी मैं बनाती हूँ, वैसे मैंने सीखा मम्मी से ही है, पर है ना मैं थोड़ा शॉर्टकट ज़्यादा खोजती हूँ, इसीलिए मैं शॉर्टकट तरीके से बना देती हूँ। अलग से चाशनी बनाओ, अलग से दो बार बर्तन ज़्यादा हो, इससे अच्छा मैं एक बार में कर देती हूँ, अच्छा बन जाता है, ठीक ठाक बन जाता है। मैंने आपको दिखाया भी है, रोज़ तो चूरमा बनाती हूँ, पर आज मैंने चूरमा नहीं बनाया, कि रोज़ एक ही चीज़ बनाऊँ, थोड़ा आज दूसरा चीज़ ट्राई करती हूँ, देखते हैं। क्या मीठा मेरे यहाँ बहुत कम खाया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। चूरमा फिर भी सब कोई खुश होकर खाते, ये कैसे खाएंगे, खाएंगे कि नहीं वो पता नहीं, बना के मैंने रख दिया। मम्मी तो खा लेगी, मैं भी खा लूँगी, और किसी का मुझे फिर उसके पापा कोई पता नहीं है, कब क्या चीज़ पसंद आए, कब क्या चीज़ ना पसंद हो पता नहीं है। बच्चों का तो सबके यहाँ का यही हाल है। अब पूजा होगा रात में, लेट से होगा, मेरे अंदाज तो 9 बजते बजते चांद दिखाई देना चाहिए, सुबह तो बादल था, अभी देखते हैं कब तक दिखाई देगा, क्योंकि अभी कोई पता नहीं चल रहा है मौसम का, कितना बजे दिखाई देगा कितना बजे नहीं, कोई अंदाज नहीं। हिसाब से 8:30-9 बजे दिख जाना चाहिए, पर पता नहीं है। चाँद को मतलब कि जैसे चौथ का व्रत होता वैसे ये किया जाता है, चाँद को रख देने के बाद ही व्रत खुलता है। अभी बस पूजा करना बाकी है, रोटी बनाना बाकी, रोटी लेट से बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम सबका हो जाएगा।
अब वैसे ठंड में सबको पता है गरम गरम खाना सबको अच्छा लगता है, तो मैं रोटी केवल बाद में बनाऊंगी और काम मेरा हो गया है। सोच रही इस वीडियो का भी यहीं एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।